हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। लगभग बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो कि स्टेडियम में जाके मैच देखना चाहते हैं, बट उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता कि टिकट कहाँ से बुक करें एंड जाने का क्या प्रोसेस है एंड वहाँ जाने के बाद आपको जो एंट्री है वो कैसे मिलेगी। तो आपको इस वीडियो में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है एंड किन किन बातों का ध्यान रखना है वहाँ जाने से पहले, ये भी आपको इस वीडियो में जो है वो पता चलेगा। तो बने रहिए, इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिलहाल वहां जाने से पहले आपको जो टिकट है वो बुक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके मोबाइल में हर आदमी के पास पेटीएम होता है, तो पेटीएम पे जाने के बाद वहां सर्च करना है IND एंड ये काम आपको मैच के 15 दिन पहले सर्च करना है। तो आपको मतलब एक दो दिन तक आपको सर्च ऐसे करते रहना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं बुक करता हूँ इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का टिकट। तो ये प्रोसेस आपको 15 दिन के आसपास आपको जो है पहले आपको चेक करते रहना पड़ेगा कब कब अवेलेबल है। तो यहाँ से मैं बुक करता हूँ 3650 रुपये वाला फिलहाल जो है वो अवेलेबल मिल रहा है मेरे को। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ एक टिकट, यहाँ से बाई नाउ, एंड बाई नाउ करने के बाद आपको यहाँ पर जो डिलीवरी एड्रेस है वो फिल करना पड़ेगा कि आपको किस एड्रेस पे अपने टिकट को जो है वो डिलीवर करवाना है एंड उस टिकट पे आप जो एंट्री है वो ले सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये है सीन एंड लगभग आपको टिकट बुक करने के प्रॉक्स ए 1 वीक के अंदर आपके पास जो है इस टाइप का कुछ पैकेज निकल के आएगा जिसमें आपका जो टिकट है वो मिलेगा। तो फिलहाल मैं आपको जो टिकट है वो दिखा देता हूँ कि कैसा है। तो अंदर में कुछ इस टाइप का टिकट रहता है एंड टिकट में आपको जो एंट्री गेट है वो मिलता है एंड कौन से रूट से जाना है वो एंड आपका कौन सा स्टैंड है, मतलब आपने किस साइड जो है टिकट अपना बुक किया है स्टेडियम के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आप एंट्री गेट 1-2 से घुस जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए इस टिकट में जो भी एंट्री गेट लिखा गया है आपको उस एंट्री गेट पे जो है इंटर करना है अपने स्टेडियम पहुंचने के बाद। तो अभी तक आपने सीख लिया कि टिकट बुक कैसे करें एंड फिजिकल जो टिकट है वो कैसा होता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। एंड अब बात करते हैं स्टेप 3, यानी कि लास्ट स्टेडियम में जाके मैच देखना। तो भाई आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग एंड उस डेट के अकॉर्डिंग आपको उस स्टेडियम पे पहुंचना पड़ेगा एंड आप वहां पर जाएंगे तो आपको हर टाइप का गाइड जो है वो वहां पे मिल जाएगा कि आपका कौन सा एंट्री गेट किस साइड है, राइट या लेफ्ट, वो सब आपको वहां पर दिख जाएगा। अगर आप वैसा कुछ आपको प्रॉब्लम लगता है तो आसपास किसी आदमी से आप पूछ भी सकते हैं तो आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आपको किन बातों का वहां पर जाने से पहले ध्यान रखना चाहिए। वो है भाई चिल्लर। चिल्लर इसलिए कि चिल्लर आपको अंदर अलाउड नहीं किया जाता है। सिक्योरिटी के वक्त आपको आपके सारे चिल्लर को जो है वो निकाल दिया जाता है। एंड अब अगला जो बात करें वो है आपका ब्लूटूथ या ईयरफोन, तो वो सब भी अलाउड नहीं है। तो आप कोशिश करें कि ये सब ना ही लाएं, मतलब आपको लाना ही नहीं, क्योंकि अगर आप वहाँ पे लाते हैं तो आपका या तो बोलेंगे कि आप बाहर रखिए या फिर फेंक फाक देंगे। तो ये है सीन। तो मेरा सजेशन यही रहा कि आप सिंपल अपने नॉर्मल कपड़ों में एंड आप अपने बस कैश के साथ यानी नोट के साथ अंदर आपको अलाउड मिल जाएगा बिना कोई दिक्कत के। एंड यहाँ पर आपको जो टिकट है वो चेक करेंगे, सिक्योरिटी चेक करने के बाद आपको स्टेडियम के अंदर अलाउड कर दिया जाएगा। तो टिकट चेक करने के बाद आपका जो भी स्टैंड होगा उस स्टैंड पर आपको जाना होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका जो भी फ्लोर होगा जो कि आपके टिकट पे ऑलरेडी लिखा होगा। जैसे मेरे टिकट पे लिखा है इस स्टैंड सेकंड फ्लोर, तो मैं सेकंड फ्लोर पे आया हूँ एंड फाइनली अब वक्त आ चुका है आपको स्टेडियम दिखाने का। एंड यहाँ पर आप आते हैं तो आपको अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट एंड फील मिलने वाला है, ये तो मैं आपको 100% गारंटी बोलता हूँ। आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे और एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल का, मैं आपको व्यू जरूर दिखाऊंगा एंड पूरा व्यू दिखाता मैं आपको अच्छे से। अब बात करते हैं कि यहाँ पे खाने पीने, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि भैया खाना पीना वहाँ पे क्या है। तो खाना पीना यहाँ पर बाहर के अकॉर्डिंग बहुत ही महंगा है। मैं आपको रेट बताऊँ तो जैसे कि आप बाहर 10-20 रुपए का बोतल लेते हो पानी पीने के लिए, यही बोतल आपको अंदर में 100 रुपए का बोतल बेचते हुए मिलेंगे। बाकी आपको स्नैक्स वगैरह ये सब आपको मतलब खाने पीने के लिए सब ठीक है, बट बाहर के अकॉर्डिंग 2-3 गुना महंगा है। तो बस होप करते हैं आपको जो वीडियो है वो पसंद आया होगा एंड कुछ भी आपका सवाल जवाब हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।